हेलो लर्नर्स, शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बाद हम लोग मानव विकास की तीसरी अवस्था को देखेंगे जो कि है एडोलेसेंस पीरियड, मीन्स किशोरावस्था। ठीक है, किशोरों की अवस्था। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, जन्म के बाद विकास की यह तीसरी अवस्था है। ठीक है, पहली अवस्था शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, फिर आती है हमारी किशोरावस्था जो बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच पुल का कार्य करती है ना। क्योंकि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, जन्म के बाद ये पांच अवस्थाएं हैं। तो किशोरावस्था जो होती है वो बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच पुल का या ब्रिज का या संधि का कार्य करती है। इसके टाइम पीरियड क्या है? 12 से 18 वर्ष के बीच का काल, यानी कि जो टीनेजर्स जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें भी टीन लगे, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, इस एज ग्रुप को हम लोग बेसिकली एडोलेसेंस पीरियड कहते हैं। अब देखो, हम लोग सब जानते हैं कि इसको इंग्लिश में एडोलेसेंस कहते हैं और यह लैटिन भाषा के एडोलेसियर से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू ग्रो टू मैच्योरिटी। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो इसको आप लोग ध्यान से देखो। नेक्स्ट हम लोग अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो किशोरावस्था से रिलेटेड जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल ने क्या दिया है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है ना। क्योंकि ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे बच्चों असमंजस की स्थिति में रहते हैं, तो इसलिए इसको कहा गया कि ये बहुत ही संघर्ष है। छोटी छोटी बात पर ये क्या होते हैं, उचट जाते हैं या छोटी छोटी बात का विद्रोह करने लगते हैं। अगर उनकी बात उनको पसंद आ गई तो ठीक है, अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। इंग्लिश में देखो, एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक। वही बात है, संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि ये परिभाषा किसने दी है, तो ये स्टेनले हॉल के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है किलपैट्रिक के अनुसार, ये भी एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा है कि किशोरावस्था सबसे कठिन काल है। अब कठिन काल कैसे है वो समझो। देखो, इस उम्र में हम सब ने फेस किया है, हम सब इस एज से गुजर चुके हैं, तो उस टाइम क्या होता था, अगर हम लोग जैसे किसी बात पे बच्चों की तरह बिहेव करते थे तो हमें कहा जाता था कि बड़ों की तरह मैच्योर बनो, बड़ों की तरह बिहेव करो, अब तुम बच्चे नहीं रहे। और अगर किसी बात में हम लोग बड़ों की तरह राय दें तो हम लोगों को तुरंत बोला जाता था कि देखो तुम बच्चे हो, बच्चों की तरह रहो। तो हम लोग खुद में कन्फ्यूज़ रहते थे, यानी इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं या बच्चियाँ होती हैं, किशोर या किशोरियाँ होती हैं, वो कन्फ्यूज़ रहते हैं कि वो बड़ों की तरह बिहेव करें या बच्चों की तरह। तो इस तरह से वो उनको समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये कठिन काल है जिसको हम लोग बसंत काल भी कहते हैं या फिर स्वर्णिम एज, गोल्डन पीरियड भी कहते हैं। बिग व हंड, ये भी एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने किशोरावस्था को एक वर्ड में डिफाइन किया है, एक परिवर्तन है, एक चेंजिंग है जो शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। इट मीन्स कि फिजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं किशोरावस्था की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो इसके दो स्टेजेस होते हैं, पहली है पूर्व किशोरावस्था, अर्ली एडोलेसेंस, और फिर है उत्तर किशोरावस्था, इट मीन्स लेट एडोलेसेंस। तो पूर्व किशोरावस्था 13 से 16 वर्ष के बीच में होती है, और यहाँ ध्यान दो कि बालिकाओं में 13 वर्ष से और बालकों में एक साल बाद, मतलब 14 वर्ष में होता है। यानी कि जो लड़कियाँ होती हैं वो पहले मैच्योरिटी को प्राप्त कर लेती है, वो पहले मैच्योर हो जाती हैं। फिर है आपका लेट एडोलेसेंस, उत्तर किशोरावस्था, जो कि आपका 17 से 21 वर्ष तक होता है। देखो, 17 वर्ष की आयु को हरलॉक ने पूर्व किशोरावस्था और किशोरावस्था के बीच की विभाजक रेखा यानी कि डिवाइडर लाइन कहा है, क्योंकि इस उम्र में बच्चों के इंटरेस्ट, व्यवहार आदि का निर्धारण हो जाता है। मतलब कि बच्चे डिसाइड कर लेते हैं कि उनका फ्यूचर क्या है, उन्हें किस फील्ड में आगे बढ़ना है, और साथ ही साथ वो अपना बिहेवियर या इंटरेस्ट, इन सब चीज़ों को डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखते हैं किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत। देखो, थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंस, तो दो तरह के विकास के सिद्धांत हैं किशोरावस्था को लेकर। पहला है त्वरित विकास का सिद्धांत, जिसको देने वाले स्टेनले हॉल है। स्टेनले हॉल से रिलेटेड अभी हमने पढ़ा कि उन्होंने बताया है कि किशोरावस्था संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। तो उन्होंने क्या कहा है कि किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक व अन्य विकास, जो भी विकास होते हैं, वो आकस्मिक होते हैं, अचानक होते हैं। इट मीन्स कि एकदम छलांग मार कर आते हैं, जिनका पूर्व काल शैशवावस्था या बाल्यावस्था से कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन उसी के रिवर्स में क्रमिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट,
जिसके प्रतिपादक है थार्नडाइक, किंग और हालिंगवर्थ, उन्होंने कहा है कि किशोरावस्था का विकास एकदम न होकर धीरे धीरे होता है और बाल्यावस्था और किशोरावस्था आपस में संबंधित होते हैं। और कहीं ना कहीं ये सही है, क्योंकि बाल्यावस्था जो होती है उसी स्टेज में तो बच्चों के बिहेवियर नीड्स आदि जन्म लेते हैं, और किशोरावस्था तक आते आते वो मैच्योर हो जाते हैं, तो दोनों आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था किशोरावस्था के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट हम लोग इसको देखेंगे कि इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषताएँ हैं। वीडियो लेंदी नहीं हो इसलिए इसका पार्ट बाई पार्ट वीडियो बना रही हूँ, इससे आपको नोट्स बनाने में बहुत आसानी होगी। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को विजिट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर टॉपिक्स। थैंक यू।